हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज नंबर 8C, राइट। इससे पहले हमने 8B के क्वेश्चंस किए थे एंड आई होप आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। बहुत आसान थे और मैंने अच्छे से समझाया था आपको। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दीज क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राइट एज एन इक्वेशन एंड सॉल्व। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको पहले आपको इक्वेशन में चेंज करना है। इसके हिसाब से पहले तो आपको इक्वेशन बनानी है, देन फिर उसको सॉल्व करके आंसर भी निकालना है, राइट। तो ये मैं बता दूँ बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये जो 8C आपकी एक्सरसाइज है, एक्चुअली पूरा जो 8 चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये आपके 7th, 8th, 9th, 10th आपके आगे की जितनी भी मैथमेटिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन जो इसी पे टिका हुआ है। आपको ये आ गया ना तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा मैथमेटिक्स में। ओके, और ये नहीं आया, आपने लापरवाही की, तो मान लो आप इस बात को समझ लो, आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी समझ नहीं आने वाला है आगे की क्लासेस में, ठीक है। इसलिए इसको स्किप नहीं करना है, वीडियो को अच्छे से समझना है। एक बार समझ में नहीं आए फिर दोबारा से देखो, फिर नहीं आए फिर दोबारा देखो, नहीं आए तो चैट बॉक्स में जाकर के टीचमेंट के में मुझे बताओ सर हमें ये प्रॉब्लम है, देन आई विल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ मैंने देखो सॉल्व करने के लिए इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बता दो ये है आपका असाइनमेंट नंबर 3 एक्सरसाइज 8C। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। देखिए, अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 9 एज 18। ओके, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसकी? तो इसको बनाने के लिए पहले समझते हैं। अ नंबर यानी एक नंबर, ओके, डिक्रीज्ड यानी उसको कम कर दिया जाता है, यानी उस नंबर में से माइनस, मैंने बताया था डिक्रीज आ जाता है, तो डिक्रीज का मतलब क्या होता है? माइनस। और अगर इंक्रीज आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? प्लस, ठीक है। तो कैसे इक्वेशन बनाएंगे? नंबर तो हमारे पास है ही नहीं। यहाँ आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे कुछ इंग्लिश वाला तो होना चाहिए, कोई वेरिएबल तो होना चाहिए, अब यहाँ पे तो है ही नहीं वो। अब नहीं है, ठीक है, तो ये नंबर दे रखा है यहाँ पे, तो अब नंबर ही तो नहीं पता है हमें, तो इस नंबर को हम क्या कर लेंगे? अपनी मर्जी से मान लेंगे। हम ये कहेंगे कि मान लो ये नंबर है एक्स, आप एक्स मान सकते हो, आप वाई मान सकते हो, आप ए मान सकते हो, आप बी मान सकते हो, आप ए से लेके जेड तक कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब मैंने ये मान लिया है कि मान लो ये नंबर है एक्स, ओके, तो अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आप हिंदी में थोड़ी ना लिख देंगे मान लो, और ऐसे आप इंग्लिश में लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे? लेट द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर मतलब जो नंबर निकलवा रहा है वो, यानी जो नंबर चाहिए वो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी। इसका मतलब हो गया कि मान लो जो नंबर चाहिए वो, ठीक है, बी एक्स, ओके, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो इसका क्या मतलब हो गया कि मान लो वो नंबर एक्स है, ओके, अब आपको नंबर की जगह पे क्या रखना है? नंबर की जगह पे एक्स रख के आपको सोचना है कि मान लो नंबर की जगह आप एक्स रखते हो तो यहाँ पे कैसे कैसे पढ़ेंगे उसको? एक्स डिक्रीज्ड बाय 9, ठीक है, क्योंकि नंबर को आपने क्या माना है? एक्स, तो आप क्या पढ़ेंगे? एक्स डिक्रीज्ड बाय 9 एज 18, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? नंबर की जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स डिक्रीज्ड बाय 9 एज 18, राइट। अब देखो कैसे लिखते हैं इसको, x x डिक्रीज यानी माइनस, कितना? 9, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल, बाद में क्या दे रखा है? 18, है ना, सिंपल। x डिक्रीज बाई 9 का तो मतलब हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका तो मतलब हो गया x माइनस 9, और इसका मतलब हो गया इक्वल, और 18 तो 18 है, अभी बन गया x माइनस 9 इज इक्वल टू 18।
अभी ऐसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे कि आपने ए टू बी में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। तो बस अब हमारी एक क्वेश्चन बन गई है, तो आधा तो काम हमारा हो गया है। कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एज एन इक्वेशन, मतलब इक्वेशन बनाइए, तो हमने इक्वेशन बना ली है, तो आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब ये कह रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व भी करिए, तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको आता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू 18, तो यहाँ पे माइनस नाइन जो है मैथमेटिक्स का है ना, तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एक्स इक्वल 18 तो पहले से ही अपनी जगह पे सही है, और माइनस नाइन को उधर ले जाएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का, राइट। तो अब ये आ गया एक्स इक्वल 18 प्लस नाइन कितना हुआ 27, तो एक्स आ गया 27। तो यही हमारा आंसर है, यही आपको निकालना था, ठीक है। तो एक्स हमने क्या माना था, नंबर, ठीक है। एक्स हमने क्या माना था, एक्स क्या था, नंबर ही तो था, तो एक्स की वैल्यू क्या आई है 27, इसलिए वो नंबर क्या निकल के आया है 27। तो हम लिख देंगे सो द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 27। ये एक प्रॉपर तरीका है आंसरिंग करने का, सॉल्व करने का, राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, मैंने वन क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ नंबर इंक्रीज्ड, यहाँ पे डिक्रीज था तो डिक्रीज आता है तो माइनस करते हैं, और इंक्रीज आता है तो प्लस करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ओके, बहुत आसान है, हिंट मैंने दे दिया है इसमें, ठीक है। इंक्रीज आता है तो प्लस करते हैं, और डिक्रीज आता है तो माइनस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, एट लेस देन द नंबर, वही नंबर आ गया फिर से, नंबर तो पता ही नहीं है, तो नंबर को हमने माना एक्स, तो वही लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। तो फिर इसको हम पढ़ेंगे एट लेस देन एक्स, ठीक है, इज 30, एट लेस देन एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एट लेस यानी जब लेस आ जाता है ना तो माइनस करते हैं, आपको पता है ना, तो मोर आ जाता है तो प्लस करते हैं, तो लेस जब आता है तो लेस क्या करते हैं, माइनस। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे, आपको एट माइनस एक्स नहीं करना, आपको एक्स माइनस एट करना है, उल्टा करना है, उल्टा करना है, क्या करना है, उल्टा करना है, एट एक्स माइनस एट, जब लेस आ जाता है ना तो लेस वाले में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब हिंदी होता है एट कम है किससे, एक्स से, तो जब कम है तो भैया एट ज़्यादा, वो एक्स ज़्यादा है तो एक्स को आगे रखना पड़ेगा आपको, तो एक्स माइनस एट इज इक्वल टू 31, तो फिर उसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, ओके। फोर्थ वाला देखो, सिक्स टाइम्स द नंबर इज 54, सिक्स टाइम्स मैंने आपको बताया था, सिक्स टाइम्स जब आता है तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो सिक्स टाइम्स मतलब सिक्स मल्टीप्लाई नंबर, नंबर यानी क्या, वही लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे सिक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 54, यानी सिक्स एक्स इज इक्वल टू 54, तो वो हमने क्वेश्चन किए ही हैं सॉल्व, है ना, उसके हिसाब से इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो फिफ्थ वाला, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 3, वही नंबर यहाँ पे है नहीं तो लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। तो एक्स इज डिवाइडेड बाई 3, तो एक्स डिवाइडेड बाई 3 मतलब क्या हुआ, एक्स अपॉन 3, एक्स डिवाइडेड बाई 3 का क्या मतलब है, एक्स अपॉन 3, ठीक है। अब इज 18, तो इज इक्वल टू 18 लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 18, फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगी इक्वेशन,
एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना आता ही है, आपने ADB में सीखा है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको हिंट कर रहा हूँ क्वेश्चंस की, बाकी आपको जब सॉल्यूशन करना होगा तो प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया है ना, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे, देन इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, फिर लिख देंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर, बस, ठीक है। इसी तरीके से करने, हिंट कर रहा हूँ बस मैं आपको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, द प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड नंबर, मतलब मल्टीप्लाई 9 एंड नंबर, यानी 9 और उस नंबर का प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई, यानी 9x हो जाएगा इक्वल 63, ये भी कर लोगे आप, है ना। आगे देखो 6 लेस देन ए नंबर, ठीक है, ये भी मैंने ऊपर बताया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वाले की तरह हो जाएगा, 6 लेस है ध्यान रखना, तो 6 लेस आ रहा है तो मैंने बताया था लेस वाले में उल्टा चलते हैं, नंबर को आगे रखना पड़ेगा, 6 को बाद में, यानी एक्स माइनस 6 रखना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल्स 4, माइनस का 4। आगे देखो द नंबर डिवाइडेड बाई 6 इक्वल 7, एक्स हो जाएगा, नंबर है एक्स, एक्स को डिवाइड करेंगे 6 से, इक्वल 7 के बराबर रखेंगे, यहाँ देखो 4 टाइम्स अ नंबर मतलब 4 मल्टीप्लाई नंबर यानी एक्स इक्वल्स 20, तो व्हाट इज़ द नंबर पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नंबर, तो वो नंबर तो हम निकाल ही रहे हैं, तो ठीक है इस तरह से। तो बच्चों आई होप कि आपको ये फर्स्ट से लेकर के 9th तक के क्वेश्चन सारे आ जाएंगे इजीली, ओके। फिर भी नहीं आता है तो मुझे बताएंगे आप, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, सो बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।